मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका शान सर और स्वागत कर रहा हूं फेसबुक यूट्यूब लाइव वीडियो कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में हम सभी छात्र छात्राएं अभिभावकगण सभी हम लोग घर में सेल्फ क्वारंटाइन हैं। तो इस वैश्विक महामारी में मेरे द्वारा प्रदान की जा रही है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस, जो सभी छात्र एवं छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग दिन पर दिन सेल्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ खुद से कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो होगी फाइंड एंड रिप्लेस की क्लास। आज हम जानेंगे कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस या टेक्स्ट को किस तरह से फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद किस तरह से हम उसे रिप्लेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एडिटिंग एरिया है। इस एडिटिंग एरिया में आप कुछ टेक्स्ट को टाइप कर ले। टाइप करने के बाद होम बटन के, ये जो होम बटन है, होम बटन के राइट साइड में आप आ जाए और यहाँ पे देखेंगे एक फाइंड ऑप्शंस होगी और एक रिप्लेस ऑप्शंस, एक फाइंड ऑप्शंस, एक रिप्लेस ऑप्शंस होगी। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही फाइंड में क्लिक करेंगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। फाइंड डायलॉग बॉक्स आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगी। अब इस बॉक्स में यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें लिखा गया है फाइंड वर्ड, आप क्या खोजना चाह रहे हैं। तो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में आप जो चीज खोजना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम योर, अगर हम योर्स को खोजना चाहते हैं या मान लीजिए योर को खोजना चाहते हैं और हमारे टेक्स्ट में योर अगर लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फाइंड व्हाट में टाइप करना है। टाइप करने के बाद फाइंड इन में क्लिक करना है और फाइंड इन में क्लिक करने के बाद आपको मेन डॉक्यूमेंट्स में आना है। मेन डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे जिस जिस प्लेस में योर्स लिखी हुई थी वो हाईलाइटेड हो गए हैं, सिलेक्टेड हो गए। अब हम चाहते हैं कि योर की जगह में कोई डिफरेंट टेक्स्ट या कुछ अदर टेक्स्ट यहाँ पर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कहाँ पे होगी, होम बटन के राइट साइड में फाइंड के नीचे रिप्लेस ऑप्शन है, इस रिप्लेस ऑप्शन में आप क्लिक करें। आप जैसे ही रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिप्लेस विथ होगी। आप चाहते हैं कि योर्स की जगह में आपका कुछ अदर सेंटेंस हो तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं। जैसे योर्स की जगह में हम योर्स कर देते हैं, हम क्या लगा रहे हैं, यस लगा रहे हैं, ओनली फॉर यस। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए या रिप्लेस पे, तो रिप्लेस, अगर रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो जहां पे एक जगह है जो योर्स वो चेंज हो जाएगी, योर की जगह में योर्स हो जाएगी। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितनी भी जगह योर है वहां पे योर्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहे हैं और यस कर रहे हैं और यस करके उसको ओके कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर आपका योर था वहां पे क्या हो गया, योर्स हो गया, आप देख रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं क्या, जो हमारा योर्स के जगह में योर होना चाहिए तो मुझे योर पहले जैसा कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से फाइंड में जाइए और आप यहाँ पे योर्स को फाइंड कीजिए। तो योर्स में जाके मेन डॉक्यूमेंट्स में आइए, योर्स फाइंड हो जाएगी। आप रिप्लेस में क्लिक करके नीचे योर्स के जगह में आपको सिर्फ योर करना है और रिप्लेस वन में क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। यस करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट मेरी पहले जैसी थी वो टेक्स्ट हो जाएगी। तो अब क्या है, आज हमने देखा कि फाइंड एंड रिप्लेस को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं सेल्फ कंप्यूटर क्लासेस में। और उसके बाद देखिए कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं उसके और किसी को माउस के द्वारा सेलेक्ट करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, माउस के माध्यम से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि विदाउट माउस या हम ये टेक्स्ट या सेंटेंस को कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो होम साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड में फाइंड एंड रिप्लेस के बगल में सिलेक्ट है। आप क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट को, अगर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो सिलेक्ट ऑल, अगर आप सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी विदाउट माउस। तो हमने सेलेक्ट करना भी सीखा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लासेस कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो क्लास के माध्यम से कि आप सभी छात्र छात्राएं अधिक से अधिक हमारी क्लास को ज्वाइन करें। ये जो क्लास है यूट्यूब में या फेसबुक में हमारी जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं, अपने आसपास के लोगों को भी दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जिसके माध्यम से हम आपको सही तरह से जानकारी दे पाए। तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद, जय भारत, बी सेफ।